हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर यानी कि एनाटॉमी के कुछ 50 लगभग वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं या आप भी फिजिकल एजुकेशन के कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर केवल हड्डियों की बात पूछी, खोपड़ी की बात पूछी है, तो यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य का हृदय धड़कता है तो कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में पूछा गया, 72 बार पर मिनट धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का धड़कता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या है। तो यहाँ पर अप्रोक्स में होती है 16 से 18 बार मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर मस्तिष्क का वजन होता है तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम लगभग, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप 1400 ग्राम पे टिक करिएगा, ज़्यादातर 1400 ग्राम ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, कहाँ होती है। जांघ में होती है, और कौन सी हड्डी होती है, फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, ये कान के मध्य में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है, तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की होती है। आप कमेंट सेक्शन में इस हड्डी का नाम लिख के बताना जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है तो कौन सा तत्व होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनामिल होता है, ठीक है। एनामिल क्या होता है, जो दांत के ऊपर की परत होती है, सबसे जो पहली लेयर होती है उसको एनामिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है तो कौन सा है, ठीक है, तो किसमें किया जाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, केलोलॉजी में किया जाता है। काफ़ी नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है, अधिकतम होता है 120 और मिनिमम होता है 80, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर इससे ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे 120 से ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, और नीचे जाता है 80 से तो लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, तो शरीर में जो पूरा रक्त परिसंचरण होता है उसमें पूरा घूमने में कितना टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर इसकी बात की गई है तो कितने में टाइम लगता है, 23 सेकंड में पूरे शरीर में परिभ्रमण कर लेता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो कितनी होती है, जल की मात्रा 65 से 70% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो रक्त की मात्रा कितनी होती है, यहाँ पर आपकी होती है 7%, ठीक है। और आपको एक कमेंट करके और बताना है कि मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो भार होता है पूरे शरीर का कितने परसेंट होता है, आपको ये भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो कितनी होती है, औसतन 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है, 5 से 6 लीटर होती है। अगर अप्रोक्स में उसमें आता है, एक डिजिट दी गई हो सिंगल डिजिट, तो आप 5 पे टिक करेंगे, ठीक है। लगभग 5.04 लीटर खून होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त, ठीक है, का पीएच मान होता है तो ब्लड का पीएच मान पूछा है, तो पीएच मान की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो मानव शरीर, मानव का जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है तो कौन शुद्ध करती है, छानने का काम कौन सी करती है, किडनी करती है, जिसको हम ब्रक बोलते हैं। और कितने होते हैं शरीर में, 2 जोड़ 1 जोड़ी किडनी होती है, मतलब 2 होती हैं और जोड़े में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और वाइट ब्लड सेल का भी अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 से 120 दिन बताया गया है, मिनिमम 20 दिन में भी मर जाती हैं ये, और अधिकतम 120 दिन भी होती हैं। और एक डिजिट में बात की जाए तो आपको 120 दिन लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण काल का जीवन होता है 2 से 5 दिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का साइंटिफिक नेम होता है, और RBC मतलब लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रक, ठीक है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं ओ, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का ओ ब्लड ग्रुप है तो वो सभी को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिप्रेसेंटर, ठीक है, यूनिवर्सल जो उसको सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। ए बी को आप कोई सा भी ब्लड चढ़ा दोगे तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा, ठीक है, प्लीहा स्प्लीन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, ब्लड बैंक कहलाता है, इसमें आपका हृदय भी दिया होता है, और बहुत से बच्चे हृदय लगाते हैं, जबकि जो ब्लड का निर्माण होता है वो प्लीहा में, स्प्लीन में होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो कहाँ से होता है? मुख गुहा से ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण, ठीक है, कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एनाटॉमी के, TGT में बहुत कम आते हैं, लेकिन LT ग्रेड में एनाटॉमी के काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त, ठीक है, बाइल जिसको बोलते हैं, स्त्रावित होता है, ठीक है, कहाँ से होता है? यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है यहाँ पर, तो यकृत हो जाएगा, लीवर जिसको हम कहते हैं, यकृत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग तो कौन सा होती है? त्वचा होती है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। ग्रंथि की बात हो रही है तो यकृत हो जाएगा, अंग की बात हो रही है तो त्वचा हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मास्टर ग्रंथि होती है, इसको हम पिट्यूटरी कहते हैं, जो सभी और ग्रंथियों को लीड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? स्फिग्नोमैनोमीटर है, ठीक है। अगर आपने कौन सी चीज़ से क्या चीज़ मापी जाती है उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई है, कौन सा यंत्र किस चीज़ को मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जोड़ी में 12 और सिंगल में 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? 206 होती है, अगर बच्चे में पूछी जाएगी तो 213 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, ठीक है, कितनी होती है? 639 होती है, ठीक है, कहीं कहीं 639 नहीं दिया रहेगा तो 600 से अधिक ऑप्शन आपको मिलेगा, और आपको उस पर टिक करना है, 600 से अधिक और एक्यूरेट में दी गई तो 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, ठीक है, इसको हम टाइलिन नामक एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण होता है, तो किससे होता है? आपके पुरुष क्रोमोसोम से होता है, ठीक है, आप सभी को पता है, रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, फीमेल से एक्स एक्स निकलते हैं, और माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बता दिया, ठीक है, और हाँ शायद फीमेल से एक्स एक्स निकलते हैं और मेल से एक्स वाई निकलते हैं, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय होता है, तो कौन सा होता है? चार कोष्ठी होता है, चार कोष्ठी कौन सा होता है? आपका बायां नीले, दायां नीले और बायां अलिंद, दायां अलिंद, ठीक है, नीचे वाले भाग को नीले बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर के खोजकर्ता है, ठीक है, लैंड स्टीनर एवं वीनर है, ठीक है, कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, ठीक है, कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? लगभग 1.5 लीटर, इसको हम 1500 ग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, ठीक है, यूरिया अधिक होता है तो पेशाब में बदबू ज़्यादा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है? 6, और मैंने आपको बताया पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए संचित रहता है तो किस में रहता है? यकृत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सामान्य तापमान होता है तो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, और इसको डिग्री में कैलकुलेट करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पर 310 K लिखा है, ठीक है, आप तीनों डिजिट पढ़ लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैर में पाई जाती है, जो फीमर से नीचे की हड्डी होती है वहाँ पर दो हड्डी होती है, टिबिया एवं फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है तो कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, प्रेमस्तिक इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेरेब्रम ज़्यादा आता है, प्रेमस्तिक नहीं आता इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जोड़ पाए जाते हैं तो कितने तरह के जोड़ पाए जाते हैं? 3 तरह के जोड़ पाए जाते हैं, चल, अर्धचल और अचल, ठीक है, चल, अर्धचल और अचल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, ए डी ई के, ठीक है, बी और सी आपका घुलनशील नहीं होता है और यहाँ पर ये घुलनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो प्रभावित करता है तो किसको करता है? स्नायु स्थान को करता है, ठीक है, संस्थान को, स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की लालिमा का कारण होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में जैव क्षमता होती है तो कितनी होती है? 4500 से 5500 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट की जैव क्षमता होती है तो कितनी होती है? 6000 से 7000 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दांत कितने होते हैं तो 32 दांत होते हैं, लेकिन दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, इंसीजर जो आगे के होते हैं, केनाइन जो उससे बाद के होते हैं, प्रीमोलर जो उससे आगे के होते हैं, और मोलर आपके सबसे लास्ट के जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है तो कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।